Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Oh, Rabba. Beautiful. Bye, Remo sir. Bye, Salman. Bye, Dharmesh. Bye, Sushant. Bye, Abhinav. Bye. Bye, Rahul. Oh, hey, bye. 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 बात नहीं कर गया? तो इतने सारे गेस्ट कौन बुलाता है शो के ऊपर? हमारी टीम में इतना राइटर नहीं है जितने गेस्ट बुला के रखे इन्होंने. किस पे बातें बनाए हम लोग? कितनी बात बनाए हम लोग? मेरी बुआ की शादी में इतने लोग नहीं आए थे मालूम है? क्यों नहीं आए थे? बुआ है नहीं तो शादी होगी कहाँ से? देखो, ए, 2 साल से मेरे को बहन बना के रखा है इसने. इसको परिवार का पता ही नहीं कौन है कौन नहीं है. वाह, मेरे को डायलॉग के 1 करोड़ दो. एक खुद 1-1 करोड़ लेके जाता है एक एपिसोड का ये. वाह. हाय रे, कैसे आप? वेरी नाइस. बहुत अच्छा. अच्छा रेमो सर, ये आपका स्टेप बहुत अच्छा लगा, बहुत फेमस भी है. हाय गर्मी ऐसा वाला. तो नॉर्थ में अभी सर्दी पड़ ली थी तो नॉर्थ वाले जानना चाहते थे अगर गर्मी का ये स्टेप सर्दी में कौन सा वाला करने का. ये आप ना प्लीज इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देना, वो लोग जानना चाहते हैं. सपना काम की बात कर. हाँ, काम की बात करती है. मैंने आप लोग की पिक्चर का ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा. उनकी कोई फिल्म नहीं आ रही. हाँ तो कोई बात नहीं, आ जाएगी, आ जाएगी. खुल रहा है सब, धीरे धीरे खुल रहा है. हाँ, तू अपने सवाल तैयार कर और आप अपने जवाब तैयार कीजिए क्योंकि अमृतसर का लॉकडाउन भी खुल चुका है. वो बंदा वहां से निकल चुका है. वो यहाँ पर आएगा, पूछेगा तेरा यहाँ पे क्या काम, क्या जवाब दोगे, जवाब तैयार कर लो. है ना, समझ गई ना गुरु? वेरी नाइस. यू आप लोग का देखा मैं एल्बम ना. हाँ. बहुत अच्छे के आप लोग. हाँ. उधर सब लोग थे गोवा में. जी जी जी. तो सिर्फ शूटिंग ही किया उधर आप लोगों ने? क्या मतलब? नहीं मतलब पैराग्लाइडिंग, स्नॉकलिंग ऐसा सब भी रहते ना, इसलिए मैं पूछी. मेरे को रेमो सर आपका एक बात बहुत अच्छा लगता है मेरे को. कौन सी? पता है कप्पू, जब भी इधर शो पे आते हैं ना, मस्त मस्त कौले लौंडे लेकर आते हैं. हाँ सच्ची, मैं अभी देखो नया फ्रेश लौंडा लाए. तो कोई पसंद है तो बता दे, रेमो सर शादी करवा दे. शादी का क्या फायदा? क्यों, शादी के बाद भी इनको रेमो सर के साथ ही तो घूमने का है. अभी देखो हुआ ना एंगेजमेंट. हाँ, और मैं इधर ही बैठे हो. अरे घर पे जाओ, लॉकिंग पॉपिंग करो, इनके साथ क्या हिप हॉप कर ले. लेकिन मैं सच्ची बोलती हूँ, शादी के बाद ना सबकी जिंदगी बदल जाती है. लेकिन अभिनव का तो नाम ही चेंज हो जाएगा. कैसे? ये अभिनव है तभी 10 होगा. फिर 1 साल बाद 11 होगा. हाँ. और 2 साल बाद 12 होगा. वो क्या सिंगिंग पे ध्यान देगा, यही करता रहेगा क्या पूरी जिंदगी? आप पहली बार आए ना इधर? मैं फर्स्ट टाइम. मैं सच्ची बोलती है, मेरा भाई हिंदुस्तान का नंबर 1 सिंगर बनेगा. मैं अपने भाई से फिर मिलवाएगी आप. कैसे? एकदम ठीक. वेरी नाइस. और ये क्या है, ये क्या रखते हैं आप लोग? मैं क्या बोलती हूँ? आप लोग इधर सब साथ में थे तो इनके साथ रह के मस्त मस्त डांसर लोग ऐसे डांसिंग वांसिंग नहीं सीखे क्या? वैसे कैसे सीख गए होंगे, ऐसे थोड़ी होता है. नहीं कप्पू, ऐसे रहता है, संगति का असर होता है. हाँ. अब देखना तेरी संगति में ये अपना दिनेश. हाँ. ये लोगों को हंसाता है मालूम है, कितना हंसाता है. वो तो गिटार बजाता है. हाँ तो उसको गिटार बजाते देख लोग हंसते ही है, और क्या करते. यू वेरी नाइस शेट्टी ना. हाँ, शेट्टी. मैं इसको बोला था मालूम पहले एपिसोड में. हाँ. कि मुंबई में टिके रहना है तो शेट्टी लोग से बना के रखने का. हाँ. मैं सच्ची में मैं आज भी शेट्टी लोग के साथ बना के रखती है रिलेशनशिप. नहीं सोशल डिस्टेंसिंग, दूर रहना मेरे से. दूर रहना. हाँ मैं कप्पू तेरे को बोलूं. हाँ. तू भी शेट्टी लोग के साथ बना कर रख सोशल डिस्टेंसिंग. नहीं नहीं रिलेशनशिप, हो सकता है रोहित शेट्टी तेरे को भी फिल्म में ले ले. ए तुम लोग भी बना के रखना शेट्टी लोगों से. नहीं तेरे से, इनका शेट्टी तू ही है. रेमो सर मेरे एक पर्सनल काम, मैं आऊं क्या उधर? आपका शॉट तो नहीं ले, उधर से बोलते थे ऐसा नहीं वैसा नहीं. अंकल है ना, आज चलेगा ना? बाद में भड़कते खत्म होते ना, उधर क्या गई थी तेरा वो नहीं आया. रेमो सर मेरा पर्सनल, मेरी बुआ है ना उधर नासिक में रहती है,
तो मैं उसको मुंबई कब बुलाऊं उसको? उनसे क्यों पूछ रही है? अरे वो शो में बोलते रहते ना, आप मुंबई नहीं आ सकते, आप मुंबई नहीं जा सकते, तो इन्हीं से पूछेगी। सपना तू कितनी फालतू की बातें कर रही है, नहीं मेहमान आए, कुछ लेके आती उनके लिए। हाँ हाँ मैं लाई ली ना गेस्ट। ये ठीक है, ये कॉकरोच, इतने साल ये कॉकरोच लेके आते थे, अब इस बार मैं लेकर आ गई तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मेरे को कॉकरोच से याद आया, हेलो हेलो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ मेरे को एक गाना सुनाओ ना। अबे वो सिंगर थोड़ी है। हाँ तो रेडियो पे सुना दे, तो मुंह से थोड़ी बोल रही हूँ मैं। हाँ अच्छा आप ना मेरे को दो दिन के लिए नाला सोपारे में लगेंगे। क्यों? हाँ उधर ना मेरे को एक बैंक लूटना है। तो मतलब क्या तेरे को लुटेरे लगते हैं? तो ऋतिक रोशन भी क्या लुटेरे लगते? नहीं ना, धूम में लूटा था ना उन्होंने बैंक। हाँ फिर मेरे को मालूम था इसमें मजा नहीं आने वाला है। सपना ये सब करने आई तू? नहीं नहीं मैं एक्चुअली गप्पू में रेमो सर के ऊपर किताब लिखी है वो बताने के लिए आई थी। सर मैं आप पे किताब लिखी है। क्या बात? हाँ डांस का डेमो, डिसूजा का रेमो, इसका टाइटल है। ये क्या लिखा है? तेरे को पता भी है इनके बारे में? इनके बारे में किसको नहीं पता है। अरे क्या ये देख, सब नए नए लड़के लोग को टीवी में स्टार बनाया इन्होंने, फिल्मों में स्टार बनाया, ऐसा थोड़ी रहता है। कोई देहरादून से, कोई मुंबई से, किधर किधर से लोग को स्टार बनाते। रेमो सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? वो तो देश के कोने कोने से लोगों को स्टार बनाया, बिल्डिंग में एक लड़का रहता है। कृष्णा उसको कभी काम दिए क्या? अरे मेरे को एक बात बताओ, क्या कमी है आप में? आप में ये होता है, क्या कमी है उसमें? उसमें तो कोई कमी है ही नहीं, इन्हीं में कमी है। मैं ऐसा बोल बोल के ना, मेरा भाई ने कृष्णा रोहित शेट्टी से भी पिक्चर ले रहा था, मैं आपसे पिक्चर लेके रहेगी रेमो सर। अरे क्या जूता मस्त है। मैं क्या बोलते गप्पू? सर हमारे आप लोग तो आ चुके, हमारा अलग अलग टाइप का मसाज है, तो मेरे पास मसाज है। क्या? मेरे पास एक मसाज है, रेमो डिसूजा मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर आता है, हम उसको कपड़ा निकालते और ऐसे ऐसे करके उसको घर भेज देते। ये क्या मसाज? तेल तो लगाया नहीं। अब जो काम नहीं देता उसको तेल क्या लगाने का? मैं कप्पू मेरे को सब बहुत अच्छे लगते हैं, कोरियोग्राफर जितने फिल्म लाइन में। एक मेरे को ना बहुत टॉर्चर के लिए आदमी। कौन? आपकी बिल्डिंग अभी आप शिफ्ट हुए ना उधर, गणेश आचार्य। क्यों? अरे वो जब भी आती है गणेश जी, मैं उनको मसाज करती, थोड़ा प्रेशर कर दो, आचार छोड़ के जाती है। मैं चलती है, मेरे को जाने के अभी। बस जा रहे हो? अब जितना इतना ही लिख के देते हैं लोग उतना। हाय हाय है, हेलो एवरीवन, हाय हेलो 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 हेलो। तारुफ कराने का मौका दें तो ये है बम्पर जो रहती है अपने दम पर, दम पर। सारा ना तू ही बोल ले, तू ही बोल ले, सारा का सारा तू ही बोल ले, मेरा क्या काम है यहाँ पे? ए लोमड़ी के चवनप्राश, मैं आई हूँ ना यहाँ पर, यहाँ पे क्या इनका कॉर्पोरेट लुक देखने आई हूँ मैं? नहीं अर्चना जी एक बात बताइए, आप सोनी को वैसे ही लूट लेती हैं, कोट वोट पे इनके आने की क्या जरूरत है? भाई साहब आप चले जाइए, खाना खुद। एक मिनट, अमीन साइनी का झूठा खा के आए हो क्या तुम? एक मिनट, पहले रेमो जी और रेमो जी के सारे डिसूजाओं को मेरा प्यार। हाय एवरीवन, हाय बम्पर, क्या है ये सब? मैंने कभी आपसे पूछा क्या है वो सब? कौन सा वो सब? ये लो जी, इस आदमी को अपने वो सब के बारे में नहीं पता, वो मेरे ये सब के बारे में पूछ रहा है। क्यों जवाब दूं मैं आपको? और वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं यहाँ पर अपनी ना शादी करवाने के लिए आई हूँ। ठेले पे कौन आती लड़की शादी करने? माय ठेला इज माय ठेला, नन ऑफ योर ठेला। व्हाट यू कैन डू इज जस्ट पिक अप वन केला, एंजॉय द मेला एंड लीव मी अकेला। अरे आ रहे मुझे, आप ऐसे कैसे बैठे हैं? कुछ लीजिए ना। कुछ लेके तो आई नहीं, क्या ले ले? हाँ तो मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। कैसी बातें कर रही बम्पर तू? मैं रोमांटिक बातें कर रही हूँ, आपने कभी की नहीं पहले? अजीब आदमी है, बेसिक रोमांस भी नहीं आता है इनको तो यार। देखो जब दूल्हा दुल्हन की सहेलियों के साथ फ्लर्ट कर सकता है, तो फिर एक दुल्हन अपने दूल्हे की सहेलाओं के साथ फ्लर्ट क्यों नहीं कर सकती? क्यों जेठ जी? सही बात की ना मैंने? जेठ जी, ये तुम्हारे जेठ जी कैसे हो गए? ऑब्वियसली यही हुए ना जेठ जी, क्योंकि मेरी शादी
पुजारी नो, आज आप मुझे नहीं रोकेंगे, मुझे नहीं, मुझे आज आप नहीं रोकेंगे। समाज के सामने सब कुछ बता दीजिए सच सच। देखिए सच्चाई तो यही है कि प्यार और पिंपल छिपाए नहीं छिपते। Oh my God. प्यार और पिंपल फिर भी छुप जाते हैं। ये इतनी बड़ी है ना, कितनी भी बड़ी रजाई ले ले, इसके हवा घुस ही जाती है अंदर कहीं ना कहीं से। पहली बात तो आप मेरी रजाई में झांकना बंद कीजिए। और दूसरी बात, कब तक ये बम्पर रहेगी अपने दम पर? अब ये रहेगी धर्मेश की बीवी बनकर। कुछ बुरा तो किया ही होगा पिछले जन्म में। धर्मेश जी आप चलिए ना साइड में जाके, हम लोग अकेले में थोड़ा थोड़ा डांस कर लेते हैं। अकेले में तो बात होती है। बातें अगर अकेले में होती है तो आप इतना मजमा लगा के बातें क्यों कर रहे हैं? अकेले में बात होती है। वैसे भी हमें भी कोने में जाके कोई बातें बातें नहीं करनी, हमको डांस ही करने हैं। क्योंकि क्या है, हमारे एक बार ना 36 के 36 स्टेप्स मिल जाएंगे ना, उसके बाद कपूर शर्मा आप भी हमारी शादी में जलूल से जलूल आना। तेरी शादी मेरा तो पता नहीं, वन विभाग वाले आएंगे। ऐसा कैसे तू किसी इंसान से शादी कर सकती है? पिछड़ जाओ, फटने वाली है। देख रहे हो, आपकी होने वाली बीवी को सामने इतने कटु से कटु शब्द बोलते जा रहे हैं और आप सुन रहे हैं। मत बोलिए यार। अब तक तो आपको काफी आक्रामक हो जाना चाहिए था, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये बोल रहे हैं। अब बम्पर चल, रो मत, सब हंस रहे हैं, ऐसा मत कर। सुनना तू शादी वादी छोड़ ना, पहले जिम विम जाया कर, फैल रही बैठ। जिम का क्या फायदा है आप मुझे बताइए, कोई फायदा है जिम का? देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जो कुछ है ना यहीं पे रह जाएगा, कुछ लेकर नहीं जाने वाले हम साथ में। मेरा जो ये है ना वो यहीं रहेगा। आपका भी सपना यहीं रह जाएगा, लेकर जाएंगे सिर्फ एक चीज, वो है काश। क्या काश? उस दिन मैंने गुलाब जामुन खा लिया होता, काश उस दिन मैंने रसमलाई खा ली होती। आपको जो दिख रहे ना ये सिक्स पैक एब्स वाले बॉडी वॉडी डोले वोले वाले, ये रात को अपने फ्रिज से लिपट के रोते हैं सारे। मुझे पता है, सिसक सिसक के आंसू बहाते हैं ये लोग। लेकिन बनाइए, नहीं मुझे कुछ नहीं है, आप बनाइए। ओके, हाँ बॉडी वॉडी बनाइए, बनाइए डोले शोले, लेकिन चलते हैं सिर्फ मेरे जैसे क्यूट गोले मोले। एनीवेज मुहूर्त, पुजारी जी कहाँ है? पुजारी जी, पुजारी जी, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, आपको मंत्र पढ़ने हैं। मंत्र पढ़ने हैं आपको, अभी शादी का वक्त निकला जा रहा है। कम ऑन, बम्पर तूने सोच भी कैसे लिया वो धर्मेश तेरे से शादी करेंगे? मैंने नहीं सोचा था, मैंने पहले इनके बारे में सोचा था। लेकिन आई एम टेलिंग यू, ये आदमी मुझे इतने ज्यादा कंफ्यूज लगते हैं ना। क्यों? सबसे पहले तो अपने करियर की शुरुआत में फालतू फिल्म बना दी। नहीं मतलब फिल्म का नाम ही फालतू था, फिल्म तो अच्छी थी, लेकिन बाद में ये क्या बनाए, ABCD 1। हाँ। फिर ABCD 2। हाँ। फिर 3 बनाई, लेकिन ABCD की नहीं बनाई, रेस की बना दी। ये क्या हो रहा है? उसके बाद रेस के 3 से 3 उठाया, ABCD से D उठाया, स्ट्रीट डांसर 3D बना दी। कर क्या रही यार जी? फिर उसके बाद अपने 6-8 लोगों को उठाया, उठा के गाना बना दिया। फिर ये कपूर शर्मा यहाँ बैठे, इन सबको उठाया, उठा के एपिसोड बना दिया। बैंड के लिए अपने पास दिनेश है, ये बैंड बजा देगा। ये शादी में बैंड नहीं बजाते, ये वहाँ भी नहीं बजाते। आदमी की ईमानदारी माननी पड़ेगी, नहीं बजाते तो कहीं नहीं बजाते। वैसे भी मेरे सारे देवर हैं, देखिए लेडी संगीत होएगा, कोरियोग्राफी डांस वांस सब आप लोग हैंडल कर लेंगे, बाकी का शादी का वीडियो बनना है, रेमोजी यहाँ बना लेंगे। वो क्यों वीडियो बनाएंगे भी? सुभाष घई ने ना अपने जीवन में उतनी फिल्में नहीं बनाई जितनी लॉकडाउन में इन्होंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई है। सर आपको आइडिया भी है कि आपकी वजह से इंस्टाग्राम, अब इंस्टाग्राम नहीं रहा, इंस्टा किलो हो गया। इतने वीडियो, भारी भारी वीडियो बनाए हैं, और उसके अंदर इनके वीडियो जोड़ दो तो इंस्टा किलो छोड़ के इंस्टा क्विंटल हो गया है।
तुझे धर्मेश जी, क्या हमारी शादी होने वाली है तो थोड़ी बेसिक गुफ्तगू जरूरी है हमारे बीच, तो हम कर लेते हैं। मैं शादी के बाद ना आपके दोस्तों के साथ अगर ऐसे घूमने गई, जरा पार्टी वार्टी करने गई, कोई हॉलीडे पे गई, वेकेशन पे गई, आई होप यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। चलेगा, यही चलेगा एक्चुअली, यही चलेगा। स्पेस दिया, स्पेस। ये आप मुझे स्पेस दे रहे हैं, वाह बहुत खूब। जरा सा भी पोजेसिवनेस नहीं है आपको अपनी बीवी के प्रति? मैं नहीं करूंगी शादी ऐसे आदमी से। ये है आपका पोजेसिवनेस? मैं जाऊं आपके दोस्तों के साथ, आपको चलेगा? मैं तो आपको चेक कर रही थी, आप हार गए। आई एम रिजेक्टिंग यू, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई एम रिजेक्टिंग यू, लेकिन मैं यहाँ से ना शादी किए बगैर जाऊंगी नहीं। किसके साथ अब दूसरी शादी? एक काम करते ना, देखिए ऐसे हम डिसीजन ले नहीं पाएंगे, एक काम करते, आप लोग नृत्य में तो निपुण हैं ही, अच्छा, तो मुझे बेसिकली ना काफी ऐसा वो मस्तीखोर वाला डांस ना, ऐसा टपोरी वाला डांस ना, वो सब मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग ना मेरे साथ नृत्य कीजिए, मुझे जो भी ठीक लगा, लाइक यू नेवर नो मुझे कौन अच्छा लगे। आप लोग को आइडिया नहीं मुझे क्या दिख रहा है क्लोजअप में। जो भी मुझे सही लगेगा उसे मैं चुन लूंगी। आइए आपको मेरे साथ डांस करना होगा, कम ऑन, आओ आओ, सबको करना पड़ेगा। आई विल चूज सून, आप भी आ जाइए, सबको करना पड़ेगा। मैं भी नहीं, जॉइन द गैंग। पर वो तो शादीशुदा है, मेरा तो हो चुका है ना। ठीक है, लाइफ में गोस ऑन, जीवन रुक थोड़ी ना जाता है। एक सवाल आप पूछिए ना। नहीं, सवाल ऐसे नहीं रहमो सर, अभी एक दिन का ब्रेक चाहिए इनको, बहुत इतना डांस किया है बंपर ने। हां अब पूछ लीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? कौन ये? मैं डिसीजन अभी नहीं ले पाऊंगी, let me sleep over it. just wait and watch. Yeah, you never know. okay. चलिए अभी मैं चलती हूँ. okay. driver गाड़ी निकालो. हाल 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 हाल. मेरा driver है. तो इसका मतलब आज भी इनको reject कर दिया गया. हाँ. हाँ. तो भाइयों बहनों, इनको 199 लड़के अभी तक reject कर चुके हैं. आप 200वें हो सकते हैं। बस लड़के की एक ही शर्त है कि वो लड़का हो और जिंदा हो। तो इसी के साथ आप सब लोग हमारे फोन नंबर पर फोन कीजिए। फोन नंबर है 999888। ओए ओ जॉन्डिस कलर के गोविंदे, ये निकलो, अपना सामान लो, निकलो, चलो यहाँ से। चलिए चलिए, मेरी आइसक्रीम, चलो चलिए, मैं जल्दी हूँ, मैं फोन करूंगी। ओके, बाय बाय। मेरे साथ टिंकू, पप्पू और चलो चलो फरमाइश पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।